दिल्ली पुलिस को देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं और अभी देख रहे हैं जिस तरह का हमारे साथ यहाँ पे व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल दुर्भावना है, सत्ता का ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। लोकमत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। अपने अपने आदमी को छुपा रहे हैं और हमारी लाइट कर रहे, सोच रहे कि इनको दुखी कर दें, किसी तरह उठकर भाग जाएंगे, इस तरह का ये हो जाएगा, पर हम इस तरह जाने वाले नहीं हैं। काट रहे हैं यहाँ पे बैठे, पानी की व्यवस्था नहीं, पहलवान बीमार हो गए। क्या ये साजिश है कि आंदोलन धरना खत्म हो, इस तरह आंदोलन धरना खत्म हो। जनरेटर आप लोग चला रहे थे, जनरेटर भी बंद कर दिया गया है, क्या है पूरा मामला बताएं? जनरेटर क्या कह के बंद करवाया जाता है? ये पूरा मामला ही सत्ता का हो रहा है इनका। ये अपने अपने आदमी को छुपा रहे हैं और हमारी लाइट कर रहे, सोच रहे कि इनको भी दुखी कर दे, किसी तरह उठ के भाग जाएंगे, इस तरह का ये हो जाएगा, पर हम इस तरह जाने वाले नहीं हैं। हम भी गरीब किसानों के बेटे हैं, गर्मियों में हम भी इस तार बिछाव में सोए हैं। अभी जैसे ब्रिजभूषण पे FIR दर्ज हो गई, दो FIR दर्ज हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी कुछ क्या लग रहा है पहलवानों के अंदर, क्या माहौल है, क्या वो सोच रहे हैं? अंदर अभी तो कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली पुलिस को देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं और अभी देख रहे हैं जिस तरह का हमारे साथ यहाँ पे व्यवहार हो रहा है। कल तो इन्होंने सारे गेट वगैरह मैंने आपको दिखाया है कि ये सारे बंद कर दिए गए थे। कल ये भी सुनने में आया, कुछ लोग यहाँ गद्दे लेके आ रहे थे तो पुलिस ने उनको अंदर ही नहीं आने दिया। हाँ, अंदर भी नहीं आने दिया। बारिश के दिन था, जो हम यहाँ पे तिरपाल लगा रहे थे, ऊपर की बारिश का पानी ज़्यादा, नीचे ना आए, कपड़े भी यहीं रखे हैं भाई, कपड़े वगैरह ना भीगे, और भी जितना भी सामान है तो वो भी अंदर नहीं आने दिया था। सामान नहीं लाने दे रहे, पानी नहीं लाने। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, खाने पीने का सामान नहीं लाने दे रहे? नहीं, वैसे बहुत सी चीज़ें नहीं आने दे रहे। टेंट का भी कुछ, जैसे कि पानी का था, जो पानी को भी बना कर दिया था एक बार, तो उसमें तो काट ही दिया था। तो कैसे देख रहे हैं, मतलब आज जो है, एक तो यौन उत्पीड़न की समस्या और उसके बाद जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बाद राजनीतिक इन्फ्लुएंस भी काफ़ी हो गया है, लोग संज्ञान भी ले रहे हैं, प्रियंका गांधी आ गई। जिस तरह हमें हमारे सती भाइयों ने इन सबको इन्वाइट किया, हमने क्योंकि हमने पिछले धरने पर नहीं आने दिया था ऊपर, तो हमने बोल दिया था, क्योंकि हमें सहानुभूति इसी तरह दी गई थी। अब की बार जितना भी देखा कि हमने बुलाए हैं, तो अब इसको दूसरे व्यू से दिखाना चाहते भारतीय। अच्छा, ये बताइए, अभी कल ब्रजभूषण का बयान आया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने अपना बयान पलट दिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस्तीफे से वो तो जा ही चुका है, बात उसको इस्तीफे तक नहीं है, बात है ये पूरा ही जितना हमारे या लोबी इसको पूरा ही ख़त्म करने की, क्योंकि उसने अपने ही जानकार है, जो रिश्तेदार हैं, कोई बहनों ही है, वे ही बैठा रखे हैं कई राज्यों में, तो अपने स्टेट में एक पैरासूट जो कहते हैं ना, कि पैरासूट फेडरेशन बैठा दी, पैरासूट फेडरेशन बैठ गई। हरियाणा में कब से कितने मेडल चल रहे हैं, हरियाणा में भी एकदम फेडरेशन आ गई, पैरासूट फेडरेशन आ गई। ब्रजभूषण का एक ये भी बयान आया है कि वो कह रहे हैं सिर्फ हरियाणा के पहलवानों को दिक्कत है, तो एक पर्टिकुलर पहलवान है जिनको दिक्कत है। ये बात हरियाणा के पहलवानों के नहीं, यूपी के भी बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हुए हमारे, और महाराष्ट्र के भी है, केरला के भी हैं, हमारे साथी इंडिया कैंपों में भी रहे हैं, बात वो नहीं है। बात यह है कि जब से अपना लड़का इसने यूपी में बैठा दिया है, गोंडा में, वो भी अपनी वहाँ का फेडरेशन का वो बना रखा है, अब उसको ही बनाने की तैयारी कर रहा था दोबारा, उसको इंडिया लेवल पे। जब पहलवानों की जो तबीयत है वो भी नासाज लग रही है, लोग बता रहे हैं कि हाँ, वो दिक्कत हो रही है उनको। दो तीन दिन से देखो, खिलाड़ी तो है, सुबह ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, अब तो यही सुबह यही ट्रेनिंग करते हैं ग्राउंड में उनके साथ, तो बात वहाँ तक नहीं है, खिलाड़ी है तो मेंटल टॉर्चर कितना मीडिया सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यही खिलाड़ी थे मोदी जी ने जिनके साथ में बुला के खाना खाया था, एक 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 अच्छा बाउंड दिखाई दे रहा था टीवी के ऊपर। अभी जो स्थिति है कि पानी नहीं आने देना, खाना नहीं आने देना, गद्दे नहीं आने देने, लाइट काट देनी गर्मी के समय में, सरकार से तो हमें कोई आस ही नहीं है। सरकार से हमें कोई भी आस नहीं है। फिर भी कुछ कहना चाहेंगे जो आप लोग, आपको लोग सुनेंगे, उनको क्या आप बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भाई, हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, पूरे देश को इसके प्रति खड़ा होना चाहिए, और ये कल को हमारे बच्चे भी हैं और जो हमारे साथी है। देखो, मैं तो एक कोच हूँ, मेरे कोच होने के नाते मेरे को खुद पता है कि उसने तो क्या क्या किया है, इससे सब पूरा हिंदुस्तान ही घबराएगा अपनी बच्चियों को खेलों की तरफ झुकने को। क्या नाम था आपका? मेरा नाम सुखदेव मान। मेरे साथ सुखदेव जी थे, जिन्होंने तमाम बताई है बात। कहा यह जा रहा है कि ये जंतर मंतर जिस तरह से
परेशान किया जा रहा है पहलवानों को। गर्मी के समय में, गर्मी का टाइम है और लाइट यहाँ काट दी जाती है, खाने पीने का सामान नहीं लाने दिया जा रहा है, पानी नहीं लाने दिया जा रहा है, तमाम इस तरह की चीज़ें हैं। एक और सज्जन है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं प्रवीण शहरावत हूँ, शहरावत खाप से। हम बिल्कुल खाप के तौर पर यहाँ पे प्रतिनिधित्व पहलवानों के साथ है जी। और तो अभी जो ये दिख रहा है हफ्ता भर होने जा रहा है, और ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि गर्मी है इस समय, पहलवानों की तबीयत भी डाउन हो रही है, गर्मी है, लाइट काट दी जा रही है, उनको मच्छर हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, बिल्कुल दुर्भावना है, सत्ता का ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। लोकमत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। आंदोलन होते हैं और जो सरकार के विरुद्ध आवाज़ जाती है तो आंदोलन का विशेष महत्व रहता है। इसमें जो पहलवान यहाँ बैठे हैं अपने न्याय के लिए बैठे हैं, कोई किसी पर्सनल वे या व्यक्तिगत या वैसी विचारधारा के लिए, सत्ता विरोधी विचारधारा के लिए नहीं बैठे। अब सत्ता से जैसे कि पहलवान आपने देखा कि उस सत्ता के खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहे, सत्ता के खिलाफ कोई बयानबाजी भी नहीं दी जा रही, तो सरकार को भी चाहिए एक लोकतंत्र, एक बिल्कुल जो कल्याणकारी राज्य की सरकारें होती हैं, कल्याणकारी स्टेट लोकमत में होता है, उसमें यह प्रावधान होता है कि जो आंदोलनकारी है उनकी न्यायगत आवाज़ों को सुना जाए, को प्रतिनिधि के तौर पे आ जाए। जबकि लाइट वाइट इस तरह की व्यवस्था देख रहे हो कि पहलवानों की तबीयत भी खराब हो रही है, हम लोग भी यहाँ रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, पानी व्यवस्था खाना दे रहे हैं इनको, और अपने तमाम तरह से भी जो सपोर्ट हमारे से जो हो रही है, एक खाप प्रधान के तौर पर या खाप प्रतिनिधि के तौर पर, जो कि हमारा दिल्ली दी हाथ दिल्ली में पड़ता, हमारा जो वे जो एक नागरिक के तौर पे एक जेंटली उस पर के भी हमारे गणमान्य है, या फिर आप ग्रामीण मूल प्रवेश के बच्चे हैं, तो उस पर हमारी सद्भावना के तौर पे तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अब उठ के आ रहे हैं। प्रियंका गांधी आई, उसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री आए, तमाम लोग आए और सोशल एक्टिविस्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं बाउंड कर दिया है, वो लोग चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे? अभी एक यूथ कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हम गद्दे ला रहे थे, खाना ला रहे थे, लाने नहीं दिया, और कुछ लोगों को भारी बाहर से बाहर कर दिया। तो क्या कैसे देख रहे हैं कि ये एक आप लोग जो पीड़ा है, मतलब एक अपराध एक तरह से आप लोग लगा रहे हैं, और 1000 से ज़्यादा बच्चियों के साथ यौन शोषण कहा है कि हुआ है, कैसे देख रहे हैं इसको, क्या कहेंगे? जैसा कि आपने ये सवाल किया कि भी कुछ परस्पर विरोधी या सत्ता सिंह या फिर आपस में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लोग आ रहे हैं, या उनके प्रतिनिधि या जो भी उनके समाज सुबह भी आए दोपहर में भी शाम को आए, कि उनको कुछ सामान नहीं लिया जा रहा। देखिए, व्यक्ति के तौर पर अगर पार्टियों की बात होती है तो उनको कोई रोक नहीं रहा। अब जैसे पहलवानों की बातें हैं तो इनको क्यों रोका जा रहा है? तो वो लोग संसद में आवाज़ उठाए, जहाँ जो उनकी विधानसभा है वहाँ आवाज उठाए और अपने मीडिया में ये बयान जारी करे। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो कहने से कुछ नहीं होगा, सार्वजनिक बात करें, और बिल्कुल आपका जो जहाँ प्लेटफार्म होते हैं, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो जो पार्लियामेंट है वहाँ अपनी सेशन में बात करें और वहाँ उनके आवाज उठेगी, सुनी भी जाएगी। वो कह रहा है कि गद्दे क्यों नहीं लिए जा रहे और मच्छर काट रहे हैं यहाँ पे बैठे, पानी की व्यवस्था नहीं, पहलवान बीमार हो गए हैं, क्या ये साजिश है कि भी आंदोलन धरना खत्म हो? इस तरह आंदोलन धरने खत्म नहीं होगा, शारीरिक तौर पे तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, शारीरिक रोग पे मानसिक रूप से भी दबाव पड़ता है कि आप जब आप टाइमली सोएंगे नहीं, खाना पीना नहीं खाएंगे तो शरीर अस्वस्थ होगा, शरीर अस्वस्थ होगा तो मानसिक दबाव आएगा, तो शारीरिक जो डेली रूटीन है वो सारा तनातन बिगाड़ लेगा। लेकिन इस तरह पहलवान बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हम लोग यहाँ डटे अड़े हैं, रात है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम खड़े हैं, तो इसके अवैज में जो इनको प्रोत्साहन मिलेगा, मानसिक जो सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल दिया जाएगा। अब जनरेटर की व्यवस्था करेंगे और गद्दे की, जनरेटर कह रहे हैं बंद करवा दिया है, जनरेटर है लेकिन चलाने नहीं दे रहे हैं। देखिए, जनरेटर का तो आप ये देखो, कहीं भी ब्याह शादी हो, जहाँ अपने व्यक्ति के दिए पारिवारिक धरती का जो परिवेश है कि वो तो स्वतंत्र है, प्रकृति वो है, तो यहाँ जनरेटर ये थोड़ी ना कि जनरेटर नहीं चलाने दिया जाएगा तो अब हम दोबारा फिर इसको चालू कराएंगे, क्योंकि जनरेटर की व्यवस्था, छोटे छोटे बच्चे भी, महिलाएं भी हैं, वो यहाँ धरने पर बैठी हैं। अब ये लोग बिल्कुल वहाँ पर अपने ऐसी ऐसी व्यवस्था में चाक चौबंद रह रहे हैं, तो ये तो वहाँ से देख भी रहे हैं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से काफ़ी शोर आवाज़ ऊपर तक जाई हुई है, तो ये काफ़ी शर्मनाक है। बिल्कुल ये स्थिति ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र की जो एक पैमाना नहीं है। विदेशों तक ये खबर जाएगी कि पहलवानों के साथ ऐसा हो रहा है, और शायद आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी आई थी, उनको रात में भी अभी वो देख के आए, उनको भी पता लगा कि विदेश में इस तरह लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो ये तो तानाशाही रवैया है, बिल्कुल ये चीज़ सहन नहीं की जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र प्रक्रिया में इस तरह की मानकीकरण की प्रक्रिया लोकमत के विरुद्ध जाती है। तो तमाम जो आपने देखा कि पहलवान के जो कोच थे उन्होंने अपनी बात बताई, खेप के जो मुखिया हैं उन्होंने भी अपनी बात बताई, किस तरह जो लोग हैं उनको, पहलवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास है, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जो स्थिति आपने देखी है उसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।